I hope you are enjoying good health. If you are new to our channel, then like, share and subscribe to my channel. Tradi's recipe is so amazing and please subscribe my channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल माय रेसिपी बॉक्स। जहाँ जहाँ भी रहें, खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला के हिफ्ज़ो अमान में रहें। अल्लाह ताला सबका रिज़्क़ कुशादा करे और सबकी परेशानियाँ दूर करे। इस दुआ के साथ आज मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ कर रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बल्कि विंटर स्पेशल आज मैं बनाने जा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत सी स्पेशल प्लेटर जो मैं डिश आउट करूँगी। तो मैं साथ ही एक अच्छी सी चाय आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैंने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, तो चाय के लिए इसके मैंने सबसे पहले चाय की पत्ती ली है, अदरक ली है, सौंफ ली है, सब्ज़ इलायची ली है, दालचीनी का टुकड़ा लिया है और साथ गुड़ लिया है, साथ मैंने दूध लिया है, वाटर लिया है। तो मैं किस तरीके से इसके मेथड जो किस मेथड से मैं बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। तो टाइम वेस्ट करने के बारे में आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा सा मैं वाटर जो इसमें डालूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं इसके लिए मैं इसको कावा तैयार सबसे पहले करूँगी। इसके लिए मैं सबसे पहले डालूँगी सब्ज़ इलायची। एक मैंने हल्के से इसको तोड़ के डाला है ताकि उसके जो सीड्स हैं उसका भी आपको इसका अरोमा आए। साथ में अदरक है, इसके मैंने इतना से जो हाफ इंच के मैंने इसका टुकड़ा लिया, और दालचीनी और सौंफ, ये डाल के मैं 1 से 2 मिनट के लिए इसका तैयार करती हूँ। जैसे ही हल्का सा इसका कलर निकलेगा फिर बाद में मैं पत्ती डालूँगी। इसके लिए आप चाहें तो मिट्टी के हंडिया जो कि बर्तन है तो वो भी ले सकते हैं, बहुत उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इसका कलर आना शुरू हो गया, ये सौंफ का कलर आता है, सौंफ का कलर बहुत अच्छी है, ये आपके स्टमक के लिए बहुत बेटर होती है। अदरक की चाय वैसे भी बहुत अच्छी, सर्दी में आप लाजमी लें, गले के लिए बहुत अच्छी है। किसी को कफ हो तो खांसी हो तो बहुत ही अच्छी है, स्टमक के लिए बहुत अच्छी है, वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। आप ये ज़रूर यूज़ करें। तो खाली इस तरीके से कावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं अब इसके अंदर पत्ती डालती हूँ। कावा सही तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर चाय डालती हूँ, सॉरी दूध डालती हूँ। अब मैं साथ ही इसके गुड़ डाल देती हूँ। गुड़ बहुत बेटर है, आप चीनी भी डाल सकते हैं लेकिन गुड़ बहुत ज़बरदस्त होता है। अब जैसे ही बॉयल आएगा तो इसको मैं हल्का से और बॉयल आने देती हूँ। जैसे हमारी परफेक्ट हो जाती है तो फिर हम इसको डिश आउट करते हैं, इसको ड्रेन करेंगे। तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। हमारी चाय तैयार हो गया, अब मैं इसको ड्रेन करती हूँ।
बहुत ही ज़बरदस्त चाय बनी है, आप ज़रूर इसको ट्राई करें और आप विंटर इंजॉय करें ड्राई फ्रूट के साथ। तो ड्राई फ्रूट हो, इस तरह की चाय हो, तो क्या बात है सर्दियों की। If you like our recipe, then like, share and subscribe to my channel. Try this recipe, it's so amazing and please subscribe my channel. Thank you. And follow on Instagram.